झोंके से ब्लॉग एंड हम सब इसको स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब मैं, मेरा भाई और मेरी मम्मी खाटू श्याम के ट्रिप से। ये हमारा पहला ट्रिप है साथ में खाटू श्याम जी का, सो लेट्स गो। मौसम हुआ है सुहाना और ये हमारी लवरना स्टार्ट हो गई, ये लो। सो जय श्री श्याम। ये मौसम भी बहुत अच्छा हुआ हुआ है और देव टंडन गाड़ी चलाने पे आ गए हैं और पीछे मम्मी बहुत डरी हुई बैठी है पर मैं आराम से बैठी हूँ। मेरे को कैमरा नहीं घुमाने आया क्योंकि मेरा ये फर्स्ट व्लॉग है। देव टंडन को बहुत अच्छे से आता है। बस उनकी स्पीड बढ़ती जा रही है और मम्मी की दिल की धड़कने भी बढ़ती जा रही है और मैं यहाँ आराम से बैठी हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं है। फास्टैग का रिचार्ज हमने करा लिया है। हाँ ना, करा लिया है, पहले से करा हुआ था बिकॉज हम लोग इतना ट्रैवल ही नहीं करते। मम्मी का कहना है कि अगर हमने फास्ट ट्रैक में 30 सेकंड से ज्यादा रुक गए तो हमें पैसे नहीं देने पड़ेंगे। तो मम्मी आप 60-70 रुपए कहाँ लेके जाओगी बताओ? कह रही डबल पैसे मिलेंगे हमको। तो मम्मी आप 120 रुपए कहाँ लेके जाओगी? कहाँ मम्मी आप? दिख नहीं रही मम्मी आप। ये पानी के साथ वाला हो रहा है ना, जो ये बारिश वाला, वैसे तो इसको अपन वो बोलते हैं कंडेंसेशन, बट इसको हिंदी में कुछ बोलते हैं, विश्वकरण कुछ समथिंग कुछ करके जो भी है मुझे बताया था, वाष्पीकरण। यस ये लो मम्मी आपको दे रहे। नहीं भैया बस बस दो ही। बारिश हो रही है धमाधम। बेटा और ये रही माँ, चाय पी रहे हैं और मैं बेचारी बिस्किट खाऊंगी। बिस्किट नहीं सॉरी, चिप्स खाऊंगी प्लीज। मैं चाय नहीं पी रही और कॉफी नहीं है यहाँ पर। ये बारिश भयंकर वाली हो रही है। मम्मी को डर लग रहा है कि इस बारिश में हम दर्शन कैसे करेंगे, पर हम कर लेंगे। देव टंडन है ना हमारे साथ, टंडन साहब। बाबू के हिसाब से हम इन्हें निशान बोलते हैं। खाटू श्याम जी जाने वाले लोग इसे अपने हाथ में लेके जाते हैं। हमें यहाँ नीचे से जाना रहेगा। ये देव टंडन ने ली अच्छी सी गाड़ी। निशान बोलते हैं राइट। देव टंडन ने कैसे ही कहा, इसे बोलते हैं निशान। तो ये है सारे निशान भंडार। ये लोग जा रहे हैं निशान लेके, इसे कहते हैं निशान। बाबू थोड़ी धीरे चलाना ताकि मैं दिखा सकूं। देखिए ये जो इनके हाथ में है ये सब निशान है और जगह जगह यहाँ पे निशान भंडार भी बने हुए हैं जैसे मैंने आपको दिखाया था। देखिए गाइस यहाँ ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो रहा है। इट्स बीन ऑलमोस्ट हाफ एन आवर हम इस ट्रैफिक में हैं। यहाँ ये 12 किलोमीटर दिखा रहा है एंड 30 मिनट्स, 12 किलोमीटर 30 मिनट्स, मतलब हमने 1 किलोमीटर को नाना करके 20 मिनट में गुजारा है। अब ये 30 मिनट 12 किलोमीटर के लिए दिखा रहा है, मुझे लग नहीं रहा कि हम पहुंच पाएंगे टाइम पे। लेट्स सी क्या होता है। बारिश भी हो रही है। देव टंडन के गाड़ी चलाने का शौक भी पूरा हो रहा है। मैं चलाऊंगा, मैं लेकर चलूंगा। चलो साहब जी आप। बारिश तो रुक ही नहीं रही है गाइस, देखो कितनी जोर जोर से पड़ रही है, कितनी जोर जोर से। माय गॉड जमाने में आई थी 15 साल पहले। फिर कहाँ आई थी आप? रास्ता तो यही था। सही थी पर रोड अलग था जहाँ पे एटीएम लेते थे। मम्मी यार प्लीज से भी आए, जब भी आओ इस टोल के लिए प्लीज कैश लाना, यहाँ फास्टैग नहीं चलता है। आपको 55 रुपीज देने रहेंगे। ये कब तक और है ट्रैफिक जाम? जाम कब तक और है? अरे नॉर्मल से बाहर निकल जब जाम होगा तो थोड़ा सा यात्रा आवास होगी। बारिश में भीग के भी जा रही है।
चलाने पे आ गई हूँ बिकॉज देवकिंडन थक गए हैं। बट इन लोगों को देखो, निशान लेके हाथ में कैसे जा रहे हैं नाच नाच के। गाइस ये मैं हूँ, ये मेरी मम्मी और मेरे भाई हैं। बारिश बहुत तेज हो रही है, मैं तो भीग के चल रही हूँ बट मुझे चल रहा है। बट इन दोनों का देखो, मम्मी ने भी जगह पे पा ली। It's raining here, but yes, it's in a fantastic experience for me for the first time. I'm coming here like after 14-15 years. Papa ke saath aayi thi kuch saal pehle, but now I'm coming with my family only again. I'll take you to the darshan place. मैं आपको दर्शन भी कराऊंगी, so stay tuned. ये बहुत सुंदर सा भवन देखने में आया, बहुत सुंदर सा भवन है यहाँ। It is just like White House. टू ब्यूटिफुल। तो प्रसाद लेने आए हैं और हम ये वाला लेंगे प्रसाद, इसको हम पेड़े बोलते हैं। अंकल ये पेड़े होते हैं ना? हाँ ये पेड़े। चौक है इसकी इस गली में, कचौरी वाला है जो बहुत फेमस है, देव जानता है। तो हम आज यहाँ की कचौरी भी खाएंगे। बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही है, रुक नहीं रही। खा खा बाबू का, बाबू की फर्स्ट बाइट। मैं ये वाली खाऊंगी क्योंकि मैं ये नहीं खाती। एंड गाइस ये तीनों कचौरी सिर्फ 50 रुपये में आ गई, वो भी कढ़ी के साथ। ये हमने रिक्शा राइड लिया है, अब हम चल के नहीं जाएंगे बिकॉज बहुत तेज बारिश हो रही है। ऐसा देव टंडन, टंडन साहब ये रास्ता याद कर लीजिए आप, इसी से आएंगे अपन नेक्स्ट टाइम से। ये मम्मी, हाँ कार तो नहीं आएगी बट पैदल भी जब आएंगे। और ये मैं, चश्मा बहुत गीला हो गया है, हमने बहुत ही यम्मी कचौरी खाई है। अच्छी तो दोनों मैंने खाई थी, मैंने आज की कचौरी खाई थी। और अभी हम लोग जा रहे हैं रेस्टोरेंट में जो यहाँ पे एरोप्लेन के साइज में और शेप में बना हुआ है। Let's see, अगर वो ओपन हुआ अभी तो हम लोग वहाँ जाएंगे एंड वी हैव आवर डिनर ओवर देयर। स्टे ट्यून्ड। हाँ हमने ये रेस्टोरेंट दैट इज़ विद द नेम बोइंग 737 एरोप्लेन रेस्टोरेंट रह गया। कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट टाइम आएंगे ज़रूर। 10 बजे ही क्लोज हो जाता है बट इट इज़ वेरी नाइस। ये पूरा एरोप्लेन है, आई थिंक ये सच्ची वाला एरोप्लेन है ना। हम लोग इस रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए रुके हैं, दैट इज़ विद द नेम विनायक होटल एंड रेस्टोरेंट। बारिश अभी तक हो रही है, इट हैज़न्ट स्टॉप्ड। हम लोग अंदर बैठेंगे बिकॉज इट्स टू रेनिंग, सो वी आर गोइंग टू सिट इनसाइड। हमारा खाना आ गया है। अच्छा खाना नहीं आया है, ये सैलेड अचार और चटनी आई है, खाने के लिए कटोरियाँ आई हैं। हम बहुत टाइम बाद ढाबे का खाना खाएंगे, वो भी हाईवे पे। मम्मी नींबू निचोड़ते फेवरेट टास्क, मम्मी नींबू निचोड़ना, लिप्स नहीं। भैया दो बोलिए, कोई बात नहीं। अरे कोई बात नहीं, खाएंगे हम खाएंगे। थैंक यू भैया। क्या मम्मी तीन रोटी आ गई तो बड़ी बड़ी। दही यहाँ पे ही है, दही डाल दो मुझे। मेरे को
हम लोग खाना बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करते, इसलिए हम क्वांटिटी हाफ हाफ मंगाते ताकि बिल्कुल भी वेस्ट नहीं हो। मम्मी को देख के मम्मी देखते ही पेट भर चुकी है। एक तो मुझे फ़ोन पकड़ना सीखना पड़ेगा कि यूट्यूब के लिए कैसे करते हैं। दाल दाल मेरी दाल खा गई। अच्छा मेरी Jaipur, the beautiful Jaipur in night. She's tired now, as well as we are tired. We are back to home. See you in the next vlog.